नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। महासमुंद नगरपालिका में शहर सरकार में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है और अपना झंडा गाड़ दिया है। नगरपालिका में बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर की कुर्सी गिर गई है। 20 मतों से अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका में आज हुए अविश्वास प्रस्ताव के सम्मेलन में पालिका के 30 में से 29 पार्षद ने हिस्सा लिया। वार्ड 22 की भाजपा पार्षद हेमलता यादव अनुपस्थित रही। 29 मत में से 20 ने अध्यक्ष की कुर्सी गिराने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। साथ ही बीजेपी को 3 मत मिले तो 6 अमान्य हो गए। जैसे ही पालिका में बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, नगर पालिका के बाहर कांग्रेस का जश्न शुरू हो गया। सभी भूपेश सरकार की जय घोष करने लगे और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हुए नजर आए। हैरत की बात यह रही कि इस निर्वाचन में बीजेपी अपनी साख नहीं बचा पाई और बहुमत होने के बाद भी बीजेपी की कुर्सी खिसक गई। वहीं पालिका में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है और अध्यक्ष पद के लिए पालिका उपाध्यक्ष कृष्णा चंद्राकर, पूर्व पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग एवं वार्ड नंबर 28 की पार्षद अनीता विजय साव का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। इधर जहां बीजेपी से अध्यक्ष रहे प्रकाश चंद्राकर इसे धन बल व बाहुबली की जीत बता रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के स्थानीय विधायक व संसदीय सचिव इसे सीएम भूपेश बघेल के विकास व कांग्रेस की जीत बता रहे हैं और आगे सभी को साथ लेकर काम करने व शहर का रुका हुआ विकास अब आगे बढ़ने की बात करते हुए नजर आए।